भी हॉस्पिटल मिल गया है, तो इससे पता चलता है भाई कि हॉस्पिटल की कितनी ज़रूरत होती है इमरजेंसी में। तो प्यारे भाइयों, आपका भाई आज बहुत ही ख़राब हालत में है, यहाँ तक कि नहा भी नहीं पाया हूँ अभी मैं, क्योंकि दिन भर से जो है हमारे कृष्णा भाई की आज शादी है तो उसी में लगा हुआ था मैं। और टैन, ये जो गाड़ी आपने देखी थी उस दिन, आज फलदान हुआ था उसमें मिल चुकी है मेरे भाई को। और अभी हमारा कृष्णा भाई जो है तैयार हो रहा, और अमित भाई ने नेक के पहले से 1500 रुपये ले लिए। अमित भाई याद रखना, भाई हूँ तेरा, है पार्टनरी में आया हूँ। मेकअप मुकम्मल होने ही वाला है भाई का। कृष्णा रेडी? तो यहाँ पे अभी एक रस्म अदा की जा रही है जिसमें जीजा के द्वारा शेरवानी पहनाई जाती है साले को। मेरे घर पे हो गया। तो ये कृष्णा के जीजा जी हैं। तो यहाँ पे अभी तैयार हो चुके हैं इसराफिल मियां। इसराफिल मियां, आपकी शादी है क्या? इधर तो दिखाइए, जाओ जाओ चाचू के पास चल जाओ, घूमने चल रहे घूमने। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अरे यार ये मास भी आ चुका है माशाल्लाह तैयार होके, ऐसा लग रहा है इन्हीं की शादी है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं तो अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस समझ कर रहा हूँ यार, इस वक्त मैं भी लगता हूँ ना। तो अभी मैंने कृष्णा भाई का थोड़ा सा सामान लेना था वो ले लिया है, और अब मैं अमित के पास जा रहा हूँ। फिर अमित के यहाँ से कृष्णा के निकलेंगे कि कब निकल रहे हैं कब नहीं निकल रहे। मलसी ये गा रही है, मलसी नहीं क्या कहते हैं इसको, लोकगीत, पारंपरिक, हाँ लोकगीत, लोकगीत मलसी बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये कृष्णा के बड़े भाई, ये मामा घूम रहे हैं। क्या नहीं नहीं ये ब्लॉग के लिए शूट हो रहा है। तो यहाँ पे इस शादी से आप लोग बेफिक्र रहे, पूरी चप्पे चप्पे की वो पल पल की खबर दी जाएगी। संवाददाता रिजवान भोपाली के साथ चैनल रिजवान भोपाली। देखिए तैयारी हो गई है। हाउ आर यू फीलिंग भैया? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अरे मजा के आनंद है, आनंद ही आनंद है। ये कृष्णा की मम्मी और पापा दोनों एक फ्रेम में, आंटी गीत गा रही हैं। अब ये गीत का मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कह सकते हैं कि ये मतलब परंपरागत जो गीत होते हैं वो हैं ये।
आगे की जानकारी, आगे की जो खबर है वो आपको हम लाइव लोकेशन से शेयर करेंगे के बाद। तो अभी हम लोग गार्डन पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन गाड़ियां लगाने के लिए आए हैं। ये गोर गार्डन है भानपुर रोड पे, विदिशा रोड पे। क्या मुझे दिखाएं? ये देखो, ओहो कार आ रही है, कार आ रही है। तो यहाँ पे अब बारात जो है वो आगे बढ़ने वाली है गार्डन की तरफ। तो ये गार्डन आ चुका है और डीजे आगे बढ़ा जा रहा है और ये लोग बराबर नाचे जा रहे हैं। बारात जो है वो आ चुकी है और बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जा रहा है। विजय का हाथ में बम फट गया। हाथ में चला क्यों रिया था पगला? विजय के हाथ में अनार फूट गया। खुशी के प्रोग्राम में थोड़ा सा कम हो गया यार। वो विजय जो है ना मेरा दोस्त, वो बम फोड़ रहा था, अनार फोड़ रहा था, तो अनार जला रहा था, अनार उसके हाथ में फट गया। तो प्यारे भाइयों, लापरवाही क्या लापरवाही तो उसने नहीं करी, वो भी अनार समझ के जला रहा था, लेकिन अनार जो है वो धोखा दे जाता है। हाथ में जला रहा था, हाथ में थोड़ी जला रहा था, सीधा कर रहा था वो, हाथ में रखा था। हाँ हाँ, तो इंजेक्शन लगवा, जज्बाती मत हो। यहाँ पे अभी हॉस्पिटल मिल गया है, तो इससे पता चलता है भाइयों कि हॉस्पिटल की कितनी ज़रूरत होती है इमरजेंसी में, और ख़ासकर गांव वगैरह के इलाकों में, क्योंकि शहर वाले तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो गांव वाले रहते हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जाने में। क्यों अमित भाई, व्हाट आर यू सेइंग? तो भाइयों फाइनली जो है हम भारत के अंदर आ चुके हैं। खोल लिया तुमने रुमाल? ठीक है। तो विजय भाई के हाथ में अभी भी जलन काफ़ी तेज़ पड़ रही है, दर्द शक्ल में महसूस हो सकता है, इंजेक्शन लगवा दिया, लेकिन धीरे धीरे कम होगा। भाई अब क्या करूँ, ऐसी बातें करने से थोड़ा क्या दर्द कम होगा? हमें खाने की इतनी जल्दी
दोस्त को छोड़ के भाग रहा है भाई, लेकिन अमित कर रहा लग रहा है यार तू, यार तेरी कसम वो तो शर्मा लोगों की शादी है, वरना सेन होती है ना तो आज ही तुम्हारी भी बारात निकलवा देते हैं। तो विजय भाई, अमित भाई बहुत नेक दिल आदमी है, सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटता। इंजेक्शन लगवा दिया अभी, अरे पागल उसके जलन के मारे हालत का बेहोश होने वाला था। शादी के अंदर मनचाहा भोजन मिल जाए तो मजा आ जाता है। आप देख सकते हैं अंकुरित दाल अचार, हाँ मैंने अचार तो लिया ही नहीं, अचार लेना जरूरी है, फिर थोड़ा सा अचार भी ले लिया जाए। मैं मसाले ही ले रहा हूँ उसका, सही रहता है। अरे अमन भाई आप भी आ गए, ये अमन भाई भी ले लिया, मैंने चने ले लिए आप देख सकते हैं। और क्या ये क्या चीज़ है, ये भी है, ओ हो हो क्या बात है, मेरी फेवरेट खराब है। अबे वो गल गई है नमक से, देख मैं चक्के देख लेता हूँ, उठा नहीं जरा चक्के देख लेता हूँ। लगा भाई सूंघने में अच्छी लग रही है, नमक से गली है वो भी अच्छी है। दूसरी बात, तो दो पीस और लिए जाएंगे, ये दो पीस ले लिए। आज मुझे लग रहा है कि मैं खाने की बजाय इससे भोजन कर लूँगा। क्या कहता हूँ अमन भाई, ये दो नींबू, नींबू भी लेना ज़रूरी है। हर एक चीज आप कैमरा मैन अमन के साथ ऊपर करो कैमरा। अब यहाँ पे ये क्या भाई साहब, पनीर, ये पनीर भी ले रहे हैं हम। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, शादी में आए हैं पूरा वसूल करो। 500 दिए, 500 पूरे वसूल होने चाहिए। ये मेरे ख्याल में छोले हैं, ये थोड़े से ही देंगे हम, थोड़ा दिक्कत हो जाती है बिल्कुल। चावल के लिए बीच में जगह बचा के रखना है, ये चावल, हाँ हाँ, इसे कहते हैं परफेक्ट थाली। 30 रुपये में भरपेट खाइए, 500 खर्चा हुए। भैया हाथ में दर्द तो नहीं, मैं आपसे खिलाऊं शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 500 दिए पूरा वसूल होना चाहिए, ठीक है 500 ज्यादा दे दिए हैं। यहाँ सब खाने में लगे हुए हैं माशाल्लाह, वीर भाई भी आ चुके हैं, बाकी सब भी आते तो अच्छा रहता है यार। भाभी हाउ आर यू, फाइन थैंक यू। ओ सीरत, सीरत लगा दिया तूने उसको पबजी का चस्का, वो देख ही नहीं रही भाई। ये भी सही है, नहीं तो खाना भी नहीं खाने देगी। आयुषी कम खाना है, बॉलीवुड में जाना है ना तुम्हें, अभी अगली वीडियो में भी आना, अगले साल रक्षाबंधन का पार्ट 2। क्या यार गिर पड़ता भी, ये पल सबसे अनूठे हैं। क्या हुआ, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, कान दुख रहा है। अच्छा वो यहाँ पे अभी अमित की मम्मी से विजय को डांट पड़ रही है। हाँ आंटी थोड़ा डांट ना, हाँ बदतमीज। हाँ पे वरमाला जो है वो चालू हो चुकी है, ये देख लीजिए, ये अप्सरा यहाँ पे घूम रही है दोनों की दोनों है। तो यहाँ पे अभी हीर रांझा की जोड़ी जाने वाली है। बाय बाय मेरे रांझा और बाय बाय हीर भाभी, बाय करो सीरत, बाय 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 बाय। अच्छा इधर एक मिनट, इधर देख के करो, इधर देख के करो, बाय बाय कर दो, पापा कर दो। अंकुश नाराज होने की जरूरत नहीं, कार्ड नहीं दिया कोई बात नहीं, बुलाया तो उसने, क्या खाना खा, नहीं खाया तूने, हाँ मेरे साथ नहीं खाया तूने। अरे भाई साहब पूरी वीडियो बना रहा हूँ, एक ही वीडियो में कितने फोटो आ जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो भाई यहाँ पे अभी ना फोटो सेशन चालू हो चुका है हमारा, ये बराबर मजे ले रहा है, हाँ बराबर मजे ले रहा हूँ। करेंगे रिजवान भोपाली यूट्यूब पे।
जहाँ जाओ प्रमोशन करो। मालिक मालिक मुई नहीं लगा रहा। मालिक ओ भैया मालिक चलो मालिक नौकरों को ही मुंह लगा लो। भाभी नमस्ते। तो यहाँ पे अभी आयुषी दानिश और विजय ये लोग घर जा रहे हैं क्योंकि विजय के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी डांस करना देखो बेशरम को, हाथ में लगी फिर भी नहीं मान रहा। तो भाइयों यहाँ पे मैं है ना एक अलग ही कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाला हूँ। और इसके जनक कौन है भाई? जनक कहाँ चला गया? दानिश भाई, दानिश भाई जनक है। इसके कॉम्बिनेशन है आइसक्रीम और गुलाब जामुन। तो टेस्ट में काफ़ी अच्छा है मास भाई, है ना? शानदार लग रहा। तो दानिश भाई को इसका क्या हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ट्राई ट्राई ज़रूर करें एक बार, है ना? ट्राई करना चाहिए। तो ये आइसक्रीम प्लस गुलाब जामुन दानिश भाई की तरफ से। ये हमारे कृष्णा भाई के पड़ोसी हैं भाई। भाई आपके साथ क्या हिट हुई? किसके चक्कर में? दोस्त के चक्कर में? एक निकले तो बिल्कुल 9 बजे थे बट आया अभी 1 बजे है। रात में 2 बज गए। दो बज गए हैं। कार पे लिखा था विदिशा रोड, ये विदिशा पहुंच गए थे। तो प्यारे भाई अभी रात का बज चुका है 2:30। सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ अमित और मैं रुके हैं कृष्णा के साथ। ये रात का बज रहा है 3:30 और अभी हम लोगों ने 3 पत्ती खेलना शुरू किया टाइम पास के लिए। तो यहाँ पे शादी हो चुकी है। हो गई ना? नहीं, हो ही रही, हो ही रही है। फेरे हो गए? नहीं फेरे नहीं, अभी फेरे होंगे। तो फेरे होंगे बाकी। जूता पे ये सातों वचन का ट्रांसलेशन बता रहे हैं पंडित जी। तुम यदि बाग बगीचे में वन में तथा पराए घरों में अकेले ना जाओ, दूसरे मनुष्यों के साथ एकांत में वार्तालाप न करो। इन बातों के साथ ही सुशील विष्टवासिनी होकर सास ससुर की मीठी वाणी से सास ससुर की सेवा करो और पतिव्रत धर्म का पालन करो। अब ये लड़का जो है वो उसकी तरफ से 5 वचन मांगने जा रहे हैं। 7 लड़की मांगती है और 5 लड़का वाला। पति जब भी भोजन करने बैठे पता होना चाहिए ना वो घर में नहीं इत्यादि चिंता क्यों है, तथा पति की आमदनी में संतोष करने तथा दूसरे को देखा देखी ना करे, जो मनु सभी प्रकार के भगवान कहते हैं कि पत्नी को चाहिए कि अपने पति की आमदनी में अपने जीवन को गुजारे, ना कि देखा देखी करे। समय क्या होता है कि व्यक्ति ज्यादा देखने के चक्कर में अपना जीवन दुखी कर लेता है। अभी समझा रहे हैं पंडित जी कैसे जीवन बिताना है, उससे खर्चा करना चाहिए, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कराती रहे। पत्नी पति के लिए धर्म का संचय करने वाली नौका के समान मानी जाती है। नाव है, नाव में चलाने वाले यदि पति पत्नी दोनों प्रेम से संयुक्त रहे तो घर वर्ग बनता है। इस प्रकार पत्नी के लिए 7 वचन भाभी की मम्मी बैठी हुई है तो उनको रोना आ रहा है, काफी इमोशनल सीन है। क्योंकि जीवन कन्या को अपने पति की नहीं गुजारना होता है, इसलिए सब धर्मों को करे, सब परमात्मा का ध्यान करे। और नारी के लिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, एक ही धर्म एक वचन नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, जिस तरह बने अपने पति की सेवा करे और पति के साथ साथ सासुर की सेवा करे। जो कन्या इन 7-5 वचनों को सुनकर अपने ससुराल जाती है और इन पर विचार करना रहती है, वे अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाती। कन्या को चाहिए कि जीवन स्त्री का जो है पराधीन होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि कहीं विधि सृजी नार जगमाही और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन जीवन में कभी सुख की आशा नहीं,
और नाल परा दी थी। यदि उसे घर में आज दाल खाना है और बच्चे कहते कि मम्मी आज आलू बनेंगे, तो दाल नहीं बनेगी, आलू बनेगी। पति कहते आज ये बनेगा, तो पत्नी की नहीं चलेगी। माता पिता से आप मिलने जाते हो, आप कभी नहीं पूछते, लेकिन विवाह होने के बाद पत्नी हर बार पूछेगी मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊँ, पति से पूछ के जाएगी। कोई भी काम है पराधीन होता है। और वे कहते हैं कि जीवन में पराधीन तो व्यक्ति को सपने में भी नहीं, जीवन तो जीवन सपने में सुख नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र ने कहा है कि नारी हमेशा बंधन में रहना चाहिए, बचपन में माँ बाप के, बड़ी हो जाए भाई के बंधन में, विवाह हो जाए पति के बंधन में, और फिर वृद्धावस्था में पुत्रों के बंधन में। यदि इस प्रकार बंधन में रहेगी वह तो नारी सदा सुख को प्राप्त करती है। नारी को स्वतंत्र होना चाहिए लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक कार्यों करे, पति की सेवा, राष्ट्र की सेवा करे, तो नारी अपने जीवन में बहुत प्रकार से सुख पाती है, अंत में भगवान के धाम और पति लोग को प्राप्त करती है। इस प्रकार भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह सम्पन्न हुआ। तो फाइनली भाइयों हम लोग घर जाने वाले हैं, सुबह हो चुकी है, कृष्णा भाई की शादी भी मुकम्मल हो गई। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना प्लीज़ यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे लिए बस थोड़ा सा काम करो कि शेयर करो, फैमिली व्लॉग है, बच्चे बड़े सब देख सकते हैं, जितना संभव हो सके अपने स्तर पर शेयर अवश्य करें, है ना, प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, रखते हैं अब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।